मैं गौतम आरक महाराष्ट्र से हूँ सर जी। क्या प्रॉब्लम था, क्या ट्रीटमेंट किया अभी तक? मुझे 12 साल पहले हार्ट शू फिस्टुला था जी, और फिर मैंने नागपुर के डॉक्टर जी, बड़े सर्जन है, उनसे मैंने ऑपरेशन करवाया था जी। उन्होंने ट्रैक को ओपन कर रख दिया। सबसे पहले सीधा ही उनके पास गए थे कि कुछ और ट्रीटमेंट भी नहीं था? एक मैं आयुर्वेद डॉक्टर है हमारे, उनके पास गया था। उन्होंने साल भर मुझे 4 सूत्र से ट्रीटमेंट की, लेकिन वो जो बीमारी है वो कम होने की वजह बढ़ती चली गई। अच्छा, एक साल पूरा शारसूत्र किया? पूरा शारसूत्र किया सर मैंने एक साल, और फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं। तो शारसूत्र कंफर्टेबल था, कोई दिक्कत नहीं होती थी? शारसूत्र इतनी तकलीफ तो मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं झेली। अच्छा। शारसूत्र का बहुत ही मतलब दर्द असर नहीं होता है। ओके। और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से मैंने फिर नागपुर ट्रीटमेंट लेनी शुरू कर दी। नागपुर के डॉक्टर ने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया, लेकिन थोड़ा सा कुछ उसमें बचा हुआ रह गया। ओके। इसकी वजह से वो आगे बाजू में और स्ट्रेट हो गया पूरी तरह निकलने की वजह से, और फिर उसके आगे भी फिर बढ़ता गया। पहले उस टाइम पर हॉर्स शू था क्या? हॉर्स शू कब से बना था? कई बार शुरू से ही हॉर्स शू हो जाता है। शुरू से हॉर्स शू होता है, शुरू से ही हॉर्स शू था, लेकिन डॉक्टर ने आधे इसमें शास्त्र किया था, आधा वैसे छोड़ दिया। फिर उन्होंने उनके हाथ से बाहर हो गए केस, फिर वो मुझे खुद लेके नागपुर चले गए। फिर उसमें शुरुआत ही 6 o'clock से हुई थी आई थिंक। शुरुआत से 6 o'clock से, 6-7 से बीच में सर था, 1 o'clock तक गया था जी। फिर सर ने किया, लेकिन वो दोबारा सेटिंग नहीं करने की वजह से, दोबारा ऑपरेशन नहीं करने की वजह से उसमें वो पार्टिकल्स कुछ रह गए, और वो दोबारा फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड बन गया कि चारों तरफ से फिर फिस्टुला के मुँह नजर आने लगे। अच्छा। फिर मैंने 10 साल बाद उसके, वो तो मैंने सही लिया बहुत 10 साल तक आप बीमारी जी, बीच में पूरा टाइम आप बीमारी से चलते रहे जी जी, कुछ कंफर्ट नहीं था? कुछ कंफर्ट नहीं, मैं कई बार। और फिर आपने कोई ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया? ट्रीटमेंट में जाता था सर बहुत बार नागपुर के दवाखाने में और गया था मैं, लेकिन सर ने बोला कि आपको कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं। ओके। फिर वो हुआ था हिमोराइड अंदर से, फिर हिमोराइड मैंने सोचा हिमोराइड की तकलीफ से हुआ होगा, फिर हिमोराइड के मैंने इंजेक्शन ले लिया थेरेपी के। ओके। बाद में फिर डिस्कम्फर्ट वैसे रहा, फिर मैंने पूना का हॉस्पिटल चूज किया। पूना का हॉस्पिटल चूज करने के बाद में मैंने वहाँ ट्रीटमेंट लिया साल भर में। तो सर ने पुणे में कैसे करते थे, लेजर से करते थे? पुणे में लेजर से, तो पुणे में सर 3 ट्रैक थे, वो 3 o'clock से लेके 1 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ट्रैक थे, वो स्फिंक्टर मसल के अंदर गए हुए। उन्होंने सीधा स्फिंक्टर पर अटैक करके जो अंदर का मुंह था 4 o'clock पर, वहां पर वो मसल्स काटते काटते वो नीचे तक उन्होंने ओपनिंग कर दी। लेकिन हुआ क्या कि वो ट्रैक टुकड़े हो गए उसके, ट्रैक के टुकड़े, फिर पूरी नहीं निकलने की वजह से और रिकरेंस हो गया उसका। ठीक है। तो कितना वहाँ पे कैसे मतलब कितना समय लगा था वहाँ पे पुणे में? वहाँ पे पुणे में एक दिन तो रुकना पड़ा था, लेकिन ज़्यादा कुछ मेरे को वहाँ बेनिफिट नहीं मिला। अच्छा। ओके। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने और यूट्यूब सर्च करके सर आपका नाम सुना, आपकी बातें सुनी, और विश्वास हो गया कि पहले तो मेरा विश्वास उठ गया था कि मेरा ये डिसीजन क्योर हो सकता है। फिर मैंने आशाएं छोड़ दी, फिर मैंने मिसेज को बोला कि एक बार सर से जाके मिलते हैं। जो आपने कहा सर यूट्यूब में, वो तो आज तक मैंने किसी से सुना भी नहीं, आप मरीज होकर बात करते हैं डॉक्टर होकर नहीं, ये बात मुझे बहुत ही जची। फिर मैंने सोचा कि जो मरीज के स्थान पर आपने रखने में रखते हो तो उसका दर्द पूरा पूरा आप समझ सकते हो। और बहुत सारे मेडिसिन लेने के बाद में मैंने फिर उसके फाइब्रोसिस हो गए, कॉम्प्लिकेशन हो गए, एंटीबायोटिक्स भी बहुत ली, बहुत एंटीबायोटिक्स सर ली मैंने, इतने एंटीबायोटिक्स ली कि 3-3 महीने कंटिन्यू हाई एंटीबायोटिक्स ली। ओके। तो आपको क्या लगा था कि एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगा कि वैसे सप्रेस करने के लिए लेते थे? जी, सप्रेस करने के लिए। एक डॉक्टर औरंगाबाद को गया था मैं, तो डॉक्टर ने वो कॉम्प्लिकेशन देखे, सर बोले इसका एक ही इलाज है, आप ऑपरेशन की बजाय आप ऐसा करो एंटीबायोटिक लेकर उसको फाइब्रोसिस बना दो या उसको डिप्रेस कर दो। औरंगाबाद में? औरंगाबाद में। फिर मैंने 3 महीने एंटीबायोटिक्स ले ली। ठीक। एंटीबायोटिक लेने के बाद में फिर आपकी सुनी कि एंटीबायोटिक से फिर बीमारी जो कभी हटती नहीं, खाली सप्रेस हो सकती है, 2-3 महीने बाद ये आपका सेंटेंस मुझे याद आ गया, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जैसे आप दवाई बंद करते हो उसके थोड़े टाइम बाद ही वापस। 12 साल से मैंने कुछ आज तक तीखा छुआ भी नहीं सर, मसाला कुछ नहीं, खाली मैं दूध, दो तुअर की दाल और रोटी, इतने पर आप 12 साल से जिंदा हूँ। अच्छा। ओके। तो इस दरमियान ये कोई और आयुर्वेदिक या होम्योपैथी मेडिसिन भी ट्राई किया? होम्योपैथी ट्राई की थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे लिए हिट है उसमें, होम्योपैथी में वो जो अल्कोहल उसमें ऐड रहता है
तो जो मैं सोचने जब भी लेता था मैं स्वेलिंग बढ़ती थी। आयुर्वेद तो टेबलेट फाइलेक्स फाइलान ये तो कॉमन हुई थी मेरे लिए, लेकिन बाद में फिर वो भी असर करना छोड़ दिया कितना मैंने समय तक ली थी पाइलेक्स? फाइलेक्स। और वो शुरुआत में मैंने 1 साल तक 2 साल तक अच्छा, लिया 2 साल तक लिया था जी। जी। और उससे क्या फील होता था? उससे फिर ऐसा होता था कि बाद में फिर एसिडिटी बढ़ने लगी, डिस्कम्फर्टेबल ज़्यादा बढ़ने लगा था, और फिर मैंने छोड़ दिया। फिर एंटीबायोटिक और पेन किलर इस पर ही मैं 10 साल तक समझो जीवित रहा। और आपका नाम सुन के आप यहाँ आया, आपने जो सर्जरी की, यहाँ तो आने के बाद फर्स्ट ट्रीटमेंट के बाद कैसा लग यहाँ रहा? आने के बाद में अभी सर मैं 60% बहुत कंफर्टेबल हूँ। और जितना पेन और डिस्कम्फर्ट में आए थे या जितना भी पुराना ट्रीटमेंट था जिसमें आपको, उससे इसको कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा था कि जो अंधेरे में चला गया था मैं अभी उजाले में आ गया, क्योंकि बहुत सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद मैंने आशा ही छोड़ दी। आप जो समझ सकते हो डिसीज को जड़ तक, तो ये डॉक्टर ने कोई समझा नहीं। पूना वाला तो देखते थे, मैं बताता सर ये मुझे भी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है, नहीं बोले स्कार की वजह से हो सकता है, फाइब्रोसिस की वजह से हो सकता है। जो आप डिटेल उसके अंदर गए और जो निचले वाले हिस्से में आपने जो सर्जरी की, उससे मुझे बहुत ऐसा लगा कि मैं 101% क्योर हो सकता हूँ। अभी दूसरी सिटिंग के लिए मैं यहाँ आया हूँ, अभी आपने जो बातें समझ ली मेरी, ठीक। तो उससे ये लगता है कि आप मेरा जो बीमारी 12 साल पुरानी वो जड़ से निकाल के रहेंगे, ये मेरे को बहुत अभी विश्वास आ गया सर। आपने कुछ डायग्राम भी बनाई हैं, फोटो भी बनाई जी हैं, जी इनको जी मैंने समझाएंगे क्या था पहले और कैसा? जी 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 मैंने डायग्राम तो ये बनाई कि मेरा हर्ष फिस्टुला था वो 7 से लेके 1 तक था। अच्छा 1 तक होने के बाद में सर ने ओपन से 6 तक ओपन कर दिया, 7 सीटोन डाल के किया था, लेकिन वो 6 जो पार्ट था बीच में फंसा हुआ वो स्प्रिंटर मसल में था, इसकी वजह से मेरे घर सर अंदर तक नहीं गए होंगे। उन्होंने बताया था कि सर्जरी होती ये रहेंगी नागपुर की बात कर रहे हो? नागपुर की बात, लेकिन ओके। उसके पार्ट से अभी मैं बता रहा हूँ कि मुझे 1 o'clock से लेके 12 o'clock तक पूरा ऐसे ट्रैक महसूस होते हैं, अगर उंगली अगर बाहर से घुमाई तो, और ओके। हमेशा स्वेलिंग और टेंडरनेस या पेन हमेशा ही रहता है। टेंडरनेस अभी जो हमने फर्स्ट सेटिंग करी है उससे कुछ कितने परसेंट आराम है उसमें? 60% सिक्सटी रिलीफ परसेंट सर आराम। ओके। बिल्कुल और ये एक डायग्राम और बनाया था आपने, जी। इसमें क्या था? ये जो डायग्राम मैंने अभी अभी बनाया ऑपरेशन मतलब अभी ये फोटो निकाला है, तो इसकी वजह ये है कि मैं दिखाना चाहता था आपको कि स्वेलिंग इसमें स्वेलिंग है ही नहीं अभी, हालांकि थोड़ा सा है वो उन हीलिंग हो रही है अभी, उसको 21 दिन तो हो ही मेरे ख्याल से उनको, वो तो हील हो सकती है, लेकिन थोड़े थोड़े जो एंड है उसके तो उसमें अभी पेलिंग पेन है, और ये जो स्वेलिंग है ये अराउंड तो द मेन जो यहाँ पे खिंचाव था और मेन यहाँ पे कलेक्ट होता था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका जी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ओके। ये भी एक बहुत ही डायग्राम और बनाया आपने, इसमें क्या है? इसमें आपको मतलब टाइम नहीं होगा सर आपकी, जो मैंने शॉर्टकट इसको बनाया था कि यहाँ पर पेन है, यहाँ पर स्वेलिंग है, यहाँ पर ओपनिंग है, यहाँ पर रिकरेंस हुआ फिसुला, और यहाँ एंडिंग में पेन है, और ये टोटल सब आप कितनी सर्जरी जब शुरू हुआ था तब क्या क्या हुआ था, तब कैसा था, अगर कुछ बता कर सकें? इस डायग्राम पे शायद आपको ज़्यादा अच्छा बता पाओगे। जी 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 शुरुआत में सिंपल था कि हर शो जो कॉम्प्लिकेटेड होता ही है, लेकिन वो 1 से 7 तक ऐसा ऐसा हुआ था, और 7 तक एंड था उसका, इधर उधर कुछ नहीं था, बाकी सब नील था, हिमोराइड्स था अंदर, और फिर 7 से सर ने अपने ये 1 से 6 तक और नागपुर में किया था, नागपुर में किया था, दोनों साइड किया था, एक साइड ही किया था दोनों सर? साइड इधर सीटान डाल दिया सर ने, कि दोनों, उनको ओके लगा कि उन्होंने बताया कि बहुत सारे ऑपरेशन करने पड़ेंगे, लेकिन दोबारा उन्होंने इतनी केयर नहीं की, इसकी वजह से वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ गए। ओके। फिर इसके बाद लेजर करा, लेजर का कैसा एक्सपीरियंस रहा? लेजर करा सर उन्होंने, यहाँ पर लेजर डाल दिया, यहाँ अच्छा 5 o'clock पर, 5 o'clock पर सीधा लेजर अंदर तक, वहाँ जो ओपनिंग था वहाँ पर डाल दिया, यहाँ जो ट्रैक थे इधर उधर से जमा हुए थ्री तीन ट्रैक थे वो टूट गए, टूट गए, टूटने की वजह से अंदर तक तो उन्होंने ओपनिंग तो बंद कर दिया, लेकिन वो फिर बाद में तकलीफ देने लगे। फिर आपने जो 5 o'clock पर किया था ये रिकरेंस था उसका, वो पूरा हटा नहीं, ये ठीक होता ही आपको आराम लगा अब? ये ठीक होते ही मेरे को आराम लगा, गुड। अभी थोड़ा सा इफेक्ट उसका है, लेकिन मेरे को उन की वजह से वो होगा। और यहाँ पर ऐसा मेरा अलग केस है थोड़ी सी, कि यहाँ से 3 o'clock से लेके 9 o'clock तक इंट्रास्ट्रक्चर ऐसे फाइब्रोसिस हुआ है अंदर से, वो बार बार इंजेक्शन लेने के कारण भी हो सकता हाँ है, और हो सकता है काफ़ी सारी सर्जरीज और वो काफ़ी सारी लेज़र सर्जरी बार बार जाके उसको जी,
बफर प्रोसेस कर रही हो, क्योंकि अगर ये अगर मुझे इससे राहत मिलती है तो इससे और ज्यादा मैं दुख झेलने के लिए, बाकी सारे दुख झेलने के लिए तैयार। पर अब 10 साल से जो हताश हो चुके थे, 12 साल से ओके, तो बार अब कुछ लग रहा है, होप जग रही है। उसको पता क्या है सर, रास्ते में कि चलो बाढ़ की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट महीने डॉक्टर बोला आपको, क्योंकि इतनी डीप तक आज गए नहीं थे सर। और अगर इसके छुटकारा मिलता है तो दोबारा जिंदगी और अपेक्षा है, तो बहुत 60% तो रिलीफ है, 40% ही रह गया बाकी, वो भी हो जाएगा जब यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी एक ही सेटिंग में हम इतना पहुँच गया, नहीं तो जितना डिफिकल्ट केस था इसमें कई बार 6-6 महीने साल लग जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट हैं, कई बार हिम्मत भी हारते हैं, पर वो आप बताओ, जैसे आप बता रहे हो कि आपने 12 साल इसमें इसके साथ लड़ाई करी और फाइनली कम से कम अब आज एक सिचुएशन पर पहुँचे कि आपको लगता है कि हाँ अब मैं ऑलमोस्ट पूरा ठीक हो जाऊँगा, आपके दर्शन हो गए, खुश हो गए। ठीक, ये बीमारी बहुत ही जटिल है, इससे अगर समझो शुरुआत में अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर मिल जाती है तो ये नसीब की बात है, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट ट्रीटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, पर होता यही है कि फर्स्ट ट्रीटमेंट में पहुंचता नहीं है आदमी, तब तक कॉम्प्लिकेट हो जाता है, फिर पहुंचते हैं पेशेंट। पहले तो 6 महीने 2 साल तो बताता ही नहीं किसी को जी, फिर वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते रहता, हालांकि इलाज है उस पर, शुरुआत में बहुत ईजी इलाज है, लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़े तो मिसगाइड करने वाले ज्यादा लोग हैं, मुझे किसी को सर इसके बारे में मालूम नहीं है ज्यादातर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को भी इसके बारे में पता नहीं है, ऐसा नहीं कि जो लोग रोज ऑपरेशन कर रहे हैं इसका उनको भी एक लिमिटेड नॉलेज है। वो तो बंगाली बाबा रहते, कोई आयुर्वेदिक रहते, बीएमएस रहते, साफ सुथरा वाले रहते, एमएस डॉक्टर भी मैंने देखे सर, इनको ज्यादा डिटेल जाते नहीं क्योंकि उसमें स्प्रिंटर का प्रॉब्लम आता है, इसमें कंट्रोलिंग का प्रॉब्लम आता है, तो छोड़ देते हैं आधी में, यहाँ तक भी हो सकता है। बेरिंग की बात है, जो जो डॉक्टर अंदर तक गए उन्होंने जड़ से निकाले, और आपने कहा था सर कार्सिनोमा के स्टेप तक ये तो क्यूरेबल है, तो मुझे तो तभी विश्वास आ गया था कि ये बहुत ही मतलब अपनी लक है कि सर आप मुझे मिल गए। बहुत ही डीप का बात कही सर आपने भी, और मैंने मेरे कहा मैं दूर तक चला गया 12 साल तक, ठीक हो जाओगे आप, कोई चिंता मत करिए, आपका पूरा विश्वास है सर। ठीक 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 है, ठीक है, आप खुद भी डॉक्टर है ना, आप किस चीज के डॉक्टर हैं? मैंने प्रैक्टिस के साथ आयुर्वेदिक करते हैं। बीएमएस किया था मैंने, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक और तीनों सिखाते थे हमें, 3.5 साल का कोर्स था, मैंने प्रैक्टिस भी करनी शुरू कर दी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिलने की वजह से मैंने फिर छोड़ दी। पर इसकी नॉलेज इतनी तभी है आपको, क्योंकि लोग नहीं तो ये इंटरस्विंट्रेक और हॉर्सशू को कुछ समझ, उन्हें तो समझ ही नहीं आती कि हम हॉर्सशू बोलते हैं, वो सोचते हैं कि चलो डॉक्टर साहब पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मेरे को तो एक बूंद पस आती है, मुझे तो दिक्कत ही नहीं है, हमें पता है ना अंदर क्या है। मैं तभी समझा कि आप इतना अच्छा डायग्राम बनाया, सारा कुछ आपको नॉलेज है, लेकिन ये डायग्राम अगर दूसरे डॉक्टर के पास चला जाता तो इसकी वैल्यू नहीं, सर आप इतने समझ आपने लिए, अच्छा डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाते। बिल्कुल बिल्कुल, यही यानी दुर्देव है, जो क्या बोल सकते, बैड लक कह सकते उसको, कि नहीं समझ सकते, आपने इतना अपना अमूल्य टाइम हमारे लिए दिया, इसका बहुत ही हमें ये रहेगा। ठीक है।